बाबा, जो प्राण अवस्था की इकाइयां हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं और मानव शरीर है, जैसे दोनों ही प्राण कोशाओं से बना है, जीव शरीर बीच में छोड़ दिया, जीव शरीर भी प्राण कोशाओं से उसको साथ नहीं लगा, ठीक है। तो बेसिकली एक तरफ हमारे पास पेड़ पौधे हैं और एक तरफ जीव और मानव शरीर, दोनों प्राण कोशाओं से बने हैं, परंतु इसके जीवित रहने के लिए जीवन की आवश्यकता है, उन प्राण कोशाओं को जीवन की आवश्यकता नहीं है उस रूप में। क्या मतलब? मतलब कि वो, जैसे हम कहते हैं कि मानव शरीर यदि जीवन छोड़ता है तो कुछ देर में इसकी क्रियाएं बंद हो जाती हैं वहां पर, परंतु जो कार्य करने की विधि है वो अलग है। अलग है, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, वो क्या भेद है? अवस्था वही है, अवस्था जो बताई गई है वही कार्य करने की विधि अलग है। वो जो प्राण कोशाएं जो प्राणावस्था में काम करते हैं उससे गुणात्मक परिवर्तन होकर के जीव शरीर रचना, उससे गुणात्मक परिवर्तन होकर के मानव शरीर रचना बनी हुई। ठीक बात, ये अपने को ज्ञान करना चाहिए। ठीक बात है। तो मानव शरीर में, मानव शरीर रचना में जो प्राण कोशाएं काम कर रहे हैं, सर्वाधिक विकसित परिमार्जित है ना, उसका क्या प्रमाण? तो मेधस तंत्र समर्थ होना और कल्पना जीवन सहज कल्पना शीलता कर्म स्वतंत्रता प्रकट हो पाना, यही विशेषता। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के आधार पर ही ये कल्पना ही ज्ञान में तृप्त होने वाली बात आज। ठीक बात है, कितने ही तो बात, वो तो ठीक है होगा। हाँ, तो कहना तो इसमें जो कार्यवाही तंत्र वगैरह है वो बताए ना, मैं परिमार्जन ही इसमें विधि, तो इसको जीवन चाहिए, जीवन के लिए अनुकूल होने के लिए किया है। नहीं, वो तो ठीक है, जीवन के अनुकूल होने के लिए परिमार्जित है, तो ये बिना जीवन के ज्यादा देर तक चालित नहीं रह सकती। बिना जीवन के मानव शरीर रचना नहीं रह सकता, ठीक है ना, वो कोई उपयोगी भी नहीं होगा। किंतु जो बिना प्राण कोशाएं मर जाने की बात भी झाड़ पौधे उपयोगी होते हैं। बात है, अभी खाड़ा गेड़ा जो मृत कोशा की तो बनते ही जी। बात ऐसा, काढ़ा के काढ़ा वगैरह सब मृत खान। अच्छा, आप दो शब्दों का प्रयोग करते हैं बाबा, एक तो कहते हैं आप सप्राणित है? दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक शब्द आप कहते हैं कि प्राणावस्था में सप्राणित रहता है, और सांस लेता रहे, सप्राणित रहने का मतलब है सांस लेता रहता है, और जीवावस्था किसमें रहता ही है, जीवावस्था में जीवंत रहता है, वो तो जीवन से जीवंत रहता है जी, वही वही वह समझना बहुत आवश्यक है जी, समझे बिना पर कितना देर भी सुनेंगे फायदा नहीं होगा। नहीं, ठीक बात है। तो जीव शरीर में जो जीवंत तत्व रहता है, जो जीवन जीवंत बनाता है जी, ठीक है ना, जीव शरीर में जो प्राण कोशाएं हैं, जीवन जीवन जो है ना, शरीर के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गए, इसका नाम है वंश के अनुसार काम करने के लिए तैयार हो गए, ये ऐसा लिखा है जी, ठीक है। तो इसमें क्या तकलीफ हो? तो आप कह रहे हैं सप्राणित का अर्थ है, सप्राणित का अर्थ है श्वसन प्रश्वसन, प्राण कोशाएं सप्राणित रहने तक की है, उनका हैसियत है उतना की। अच्छा, अच्छा, उसके बाद एक नियम आता है प्राकृतिक विधि से, जो जिससे बना रहता है उससे अधिक होता ना, जैसा अभी सारा गाड़ी घोड़ा सब बना दिया, तो लोहे के लोहे से अधिक होता ना, उसको अधिक बनाने के लिए दूसरा कोई एजेंसी चाहिए चाहिए। अच्छा, इसी को ऊर्जा नाम दिया, ठीक है ना, पेट्रोलियम इंजन सब इस दिन से काम चल रहा है, इसको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जीवन जो है ना, मानव शरीर भी जीवन के बिना चल नहीं सकता, क्यों नहीं, तो जीवन के अनुसार चलना है, ये वहां से चल करके जीवन के अनुसार चलने योगी बना है, प्राण कोशा है, प्राण कोशाओं का मॉडल जो बनी है जीवन के अनुसार चलने के लिए बना है, तो उसको हम बुलावा दे करके कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
ये बनावट जो है, बनावट जो है ना, प्राकृतिक बनावट जैसा है उसको वैसे ही समझना ही पड़ेगा। तो ठीक बात। तो क्या हुआ, ये प्राणावस्था से चलकर जीवावस्था तक वंश के अनुसार काम करना योग्य हुआ। वंश से चल करके ज्ञान से ज्ञान पूर्वक चलना योग्य हुआ। यही मानव शरीर का जो कोशाएं काम कर रहे हैं जीवन के अनुरूप हो गए। इसको बनाए रखना आवश्यक है कि नहीं? बात यहाँ यहाँ करके चोट आता है मनुष्य का जिम्मेदारी की बात यहाँ से शुरू होती है। इसको वैसे ही बनाए रखना चाहे कि नहीं चाहते, उसको अपने अनुसार कुछ बदलना चाहिए, बनाए रखना चाहिए बाबा। बनाए रखना अभी बदलने के काम कर रहे हैं। ठीक बात है। तो ये जो हम कहते हैं वंश के अनुसार चलता है बाबा, जो हम कहते हैं कि वंश के अनुसार जीवावस्था में, हाँ जीवावस्था में, तो उसमें कुल मिला के शरीर जैसे संकेत देता है वैसा जीवन, वही 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 शरीर जो बना रहता है, जीवन तैयार है जो शरीर के अनुसार चलने के लिए। मानव शरीर जो है ना ज्ञान के अनुसार चलने के लिए तैयार, इतने और तभी संतुष्टि हो पाता है, सभी संरक्षण भी हो पाता है। जीव संसार का यदि संरक्षण है उसी विधि से, मानव शरीर का संरक्षण इसी विधि से, और उसमें वनस्पति शरीर का जो है ना जीवन से संबंधित नहीं, केवल रचना से संबंधित है, बड़े बड़े रचना है झाड़ पौधे जैसा, ठीक है, रचना के रूप में बड़े छोटे होने की स्वरूप में प्राणावस्था जीव शरीर जो है ना मोक्ष के अनुसार जीवन काम करना योगी बना है, अंतर हो गए ना जी। और मानव शरीर जो है ना जो जीवन जो है ना अपना ज्ञान के अनुसार चलना योगी बना है, जीवन के अनुकूल बना है। वो बात अपने को ये ज्ञान है, ये ज्ञान यदि आने से इसको बनाए रखना है नहीं रखना है वो बात आती है। सोच लीजिए जीवंत शब्द को परिभाषित करिएगा बाबा। क्या जीवंत जो है शब्द, जीवन गठन पूर्ण परमाणु है बताया है जीवंत वही है जो जीवन और शरीर रचना जीवन के अनुरूप हो, वंश के अनुरूप कार्य करने के लिए जीवन तैयार होने पर उसके अनुकूल हो जीवावस्था में, ये सब दोनों समझ में ठीक बात है। तो उस स्थिति में जो जीवंत बनाने की बात है तो जीव शरीर में भी जीवन जीवंत बना के रखता है। ठीक बात है। मानव शरीर को भी जीवन जीवंत बना के रखता है। मानव शरीर को जीवंत बनाए रखने का मतलब है ज्ञान के अनुसार शरीर से चलाने का है। जीव शरीर को जीवंत बनाए रखना है तो वो केवल वंश के अनुसार काम कर, वो तो ठीक बात है बाबा। ऐसे ऐसे उसमें जीवन की तैयारी है, इसमें प्राण सूत्रों का तैयारी, मानव शरीर रचना प्राण सूत्र सुधर करके जीवन के अनुकूल होना है, और उसमें जब प्राण कोशाओं के अनुसार जीवन काम करने के लिए तैयार हो जाना, दोनों में अंतर इतना है, वो मौलिक अंतर है। तो ये प्राण कोशाओं में अंतर आ जाता है, प्राण कोशा में गुणात्मक परिवर्तन बताया है। माने वो जो जीवावस्था में काम करने वाले जीवन वो उसके अनुसार ही काम करना है, उसके अनुसार प्राण कोशा बना है, और ये मानव में जो है ना कल्पना के अनुसार काम करना है उसके अनुसार तैयार हो गए। कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता तो रखा है, काम कर ही रहे हैं। इतना प्रचंड ये गवाही रखी हुई है। तो केवल प्राण कोशा ही नहीं, फलस्वरूप पूरी शरीर रचना उस तरह से है, वही तो प्राण कोशा है। ऐसा रचना करने के लिए रचना विधि को तैयार संपन्न हो गया, रचना विधि के आधार पर रचना किया, जीवन जो है ना कल्पना शीलता कर्म स्वतंत्रता को शरीर के द्वारा प्रकट करना योग्य हो, ठीक है जी। जीवन में ही कल्पना शीलता कर्म स्वतंत्रता,
ठीक है, कर्म स्वतंत्रता शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में है और कल्पनाशीलता जीवन में है। उसी को उसी में जो है ना जीव चेतना मानव चेतना को अध्ययन करने का ये अवसर है, उसी को अपन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एक छोटा सा काम शुरू वैसे ऐसा दादागिरी है। ये दादागिरी एक प्रकार से है। कैसा है, जब तक मानव लोकव्यापीकरण नहीं होगा तब तक दादागिरी, जब लोकव्यापीकरण हो गया तो ज्ञान। ये ना बात कहेंगे मोटा मोटे अकल में। ठीक है, आगे। तो बाबा आप कहते हैं कि जीवन शरीर का भ्रमण करता है और उस प्रक्रिया में उसे जीवंत बनाए रखता है। हाँ, प्राण प्राण कोशाओं का तो ये जैसा तना बना है जी, ये जैसा कपड़ा बुना रहता है वैसा रहता है, उसके अंदर ये भ्रमण करता रहता है। भ्रमण करने मात्र से इनका प्रभाव से प्राण कोश जीवंत रहते हैं। क्या जीवंत रहते हैं, तो संवेदनाओं को विषयों को प्रकट करने योग्य होते हैं। इतना ही बात, जीव अवस्था में विषयों को प्रकट कर दिया और मानव शरीर में आकर के संवेदनाएं प्रकट हो गए। अब जो है ना ज्ञान प्रकट होना शेष है, उसके लिए अपन प्रस्ताव रखा है। तो ये जो प्रभाव है बाबा, अब जीवन जीवन का जो प्राण कोशाओं पर प्रभाव है, वही तो बात है भाई। जीवन जो है ना भ्रमण करता है शरीर के पूरा शरीर में, प्राण को मेधस तंत्र से लेकर गुर्दे तक पैर तक सब जगह में भ्रमण करने के फलस्वरूप इस आकार में कुंजाकार में होता है रखा है ना भाई, उसी आकार में भ्रमण करता है, फलस्वरूप प्राण कोशाएं जीवंत रहते हैं। वो यदि भ्रमण करना छोड़ दिया तो मर जाते हैं। तो बाबा ये जो प्रभाव है ये किसी तरह का जैसे हम विद्युत प्रभाव ताप का प्रभाव वैसे, वैसा ही कुछ वैसे, है। वैसे, वैसे, वैसे। प्रभाव जो है ना ये काम करने के लिए प्रेरणा देना, प्रेरणा के रूप में प्राण कोशों के साथ रहता है। तो एक प्राण कोशा को एक तरह से करता रहता है सभी प्राण कोशा में, एक जिसके मध्य में चलता भी नहीं है दूसरा प्राण कोशा जैसा चलता है वो प्राण कोशा के जैसा दूसरा प्राण कोशा चल देता है, ऐसा काम है, ऐसा काम बना। बहुत ही स्वादिष्ट बने प्रक्रिया है, यदि समझना चाहते हैं तो ठीक है। इसको अपन ज्ञान नाम दे, तो कैसा करने से जीव चेतना, कैसा करने से मानव चेतना, दोनों को छान करके अलग कर दे। तो आगे तो बाबा शरीर में जो क्रियाएं समझ में आता है कि सुनते हो जी बाबा, समझ में आ रहा है बस। इसमें बाबा जैसे आप सूचना देते हैं तो हम ऐसा उसमें समझ में आने वाले भाग को ग्रहण करना अपना काम है। जो हम केवल सूचना देते हैं हम श्रवण करते हैं, ठीक है ना, श्रवण के बाद वो श्रवण का अर्थ में ज्ञान है, वो ज्ञान ग्रहण को होता है तो हमारा सूचना देना सार्थक हुआ ना, इतना कुछ नहीं। तो बाबा इसमें हमारी स्वीकृति एक तो बनती है कि ऐसा हो सकता है, आपका जिज्ञासा के आधार पर, आपकी आवश्यकता के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर, जिसके बिना हम सुखी नहीं हो सकते इसके आधार पर बनता है, ठीक है ना। इसी का नाम है प्रेमेसी, एक नाम देते हैं ना, तो वरीयता क्रम इसी आधार पर बनता है। और आगे बाबा हम कहते हैं कि जीवन को जीवन शरीर को मेधस के माध्यम से संचालित करता है, ठीक है। तो जो शरीर में ऐसी क्रियाएं हो रही होती हैं जैसे पाचन, पसीना आना, दिल का धड़कना, रक्त का संचार, ये तो क्रियाविधि बताए ना, शरीर क्या क्रिया कर सकता है कुछ देर के लिए वो बता दिया। तो इनमें जीवन का कोई रोल रहता है क्या? उसमें कोई जीवन का रोल नहीं है। अच्छा, क्रियावाही तंत्र में जीवन का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हाँ, वो जब जीवन बनाए रखता है, जीवन के अनुकूल ये सब काम करने लग जाते हैं।
वायु जीवंत बनाने वाला रोल तो है ही, जीवन के अनुकूल ये सब काम करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ये भी देखते हैं कि जब जीवन आवेशित होता है तो कई शारीरिक प्रभाव देखने को मिलते हैं, मतलब रोगी होता है, आवेशित हुआ रोगी होते हैं। या जैसे वही ये जितना बात आपने कहा उन्हीं में व्यतिरिक होता है कई बार, जैसे इस तरह की बात की कोई आवेशित हुआ तो आंसू आ गए, ये सब जो है ना शरीर को रोगी बनाने के। दुख पूर्वक जितने भी तंत्र होता है वो सब जो है ना शरीर को रोगी बनाता है। उसी को अभी ये लोग कह रहे हैं मानसिक रोग के नाम से बात कर रहे हैं, कितना समझे कितना नहीं समझे अपन नहीं जानते। इधर सुनो अम्बा, तो तुमको चाय पीना है ना? अभी नहीं बाबा, थोड़ी अम्बाजी बनाए थे अभी अम्बाजी पर हमने बोला उसको आपने सुना जी, वो समझ में आया कि नहीं आया? बाबा अभी सूचना की स्वीकृति हुई है, बाकी सुनने पर होता है, गाय को भी होता है। तो बाकी तो इस पे थोड़ा गाय तो कुत्ते को भी होता है सूचना, ये देखने को मिला कि नहीं मिला? गाय और कुत्ते को भी सूचना मिलता है, इसको देखा गया। ठीक बात है, अभी आपको समझने में आता है कि नहीं पूछता हूँ, वो तो बोलना नहीं है, वही पुनः वही करेंगे हम। नहीं, लेकिन एक बार ही सुनने के बाद कैसे कहते हैं बाबा? गिरना गिरावट यही है, हम सुनते हैं चले जाते हैं, समझ में आता नहीं है। नहीं देखिए, अभी तो आप अभी जो हरेक अक्षर का अर्थ पर अपने को जाना है, आपको जाना है कि हमको जाना है? नहीं, जाना तो हमें ही है बाबा। बात बात, हमारा जाने का अर्थ है हम जीना, आपका जाने का अर्थ है आप जीना, ये आपका मौलिकता है कि नहीं है? ठीक है, इतना ही है। जैसे किसी भी प्रक्रिया के बारे में, प्रक्रिया एक अलग चीज हो गए हो, अभी ज्ञान के बारे में बात करें, पर हम प्रक्रिया के बारे में बाद में सोचेंगे। नहीं, जैसे चेतना स्पष्ट हो जाए, मानव चेतना, देव चेतना, देवी चेतना, पुरुष चेतना, ये स्पष्ट होने के बाद जैसा जीना चाहते हैं वैसा प्रक्रिया होगी। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई भी चीज किस तरह से काम कर रही है इसके बारे में एक सूचना आप दे रहे हैं, वो तो जीवन और शरीर के बीच में कैसा प्रक्रिया होता है वो स्पष्ट हो, उससे आपने सूचना दिया, ठीक है ना? ये जीवन में ज्ञान होता है और शरीर के द्वारा प्रक्रिया होता है, ये बात है। तो ज्ञान के बारे में स्पष्ट होने के बारे में अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। नहीं तो जैसे किसी भी, जैसे कोई प्रक्रिया घट रही है उसके पीछे कोई एक तरीका या वजह बताता है कि देखो भाई ये इस तरह से घट रही है, वो तो प्रक्रिया जो है ना बताया, रासायनिक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, जीवन प्रक्रिया। ठीक बात है, जीवन प्रक्रिया के बारे में ज्ञान पैदा, उसके बाद सोच विचार निर्णय बात दो, उसके बाद कार्य व्यवहार, फल परिणाम, चार भाग में है। नहीं, मैं एक और बात कह रहा हूँ, जैसे कि किसी एक ही प्रक्रिया के बारे में हमको दो तरह की सूचनाएं मिले, एक व्यक्ति कहता है कि भाई इस तरह से काम करती है, एक व्यक्ति कहता है इस तरह से, मेरी खुद की कल्पना जाती है कि शायद इस तरह से काम करती है। ठीक है, तो जब आप पूछते हैं मैं ये वो बढ़िया, वो बढ़िया कर दिया, ये तो ऐसा होता है, तब तो आप स्वयं से तय करना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप पूछते हैं सूचना देने के बाद ही आप पूछे समझे कि नहीं समझे, जो समझे हम जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं, समझ हम पूछ रहे हैं, समझे मतलब जो संसार का सूचना दिया उसको पूछा नहीं है? नहीं, संसार हम जो समझाया वतना आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वतने से हमारा अधिकार बनता है। नहीं, इसमें बाबा समझ शब्द हमारे जब हम लोग यूज करते हैं तो किस प्रकार की समझ में समझ मिल गया भाई? नहीं, वो नहीं कर रहे, सुनो तो सही, उसमें से कौन सा सही, जांच करनी पड़ेगी ना, क्या सही है क्या गलती है उसको सोचना आप ही का काम। बिल्कुल सही बात, ठीक है। उसमें जो है ना हम कह दिया है जी, हम दार्शनिक विधि से हम समझाने के लिए कोशिश किया है कि जीव चेतना का स्वरूप क्या है, कार्य क्या है, फल परिणाम क्या है, उसका प्रभाव क्या है, वो सब करती है। उसी प्रकार मानव चेतना का लिखा है, देव चेतना का लिखा है, देवी चेतना के लिखा है, और कितना लिखा जाए?
नहीं बात यहाँ इतनी सी हो रही कि जब आप पूछते ना समझ में आया कि नहीं, हम जो कहते हैं वो समझ में आया कि नहीं। नहीं, हमारे लिए समझ शब्द का ये मतलब है कि भाई आप ये निर्णय कर पाए कि नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं, आप इसको समझ बोलते हैं। हम निर्णय करना बाद में, हाँ वो तो समझ में आया, जो हम समझ के लिए बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया बाबा। समझ में आता है तब उसका आपको निर्णय करना है। हाँ, समझ में तो आता ही, समझ में आने के बाद आप ही को निर्णय करना है। ठीक बात है, क्योंकि जीना आपको, ठीक बात, हमारा जीना आपका जीना होगा नहीं, आपका जीना इनका जीना नहीं होगा, ठीक बात, सबको जीना ही होगा, बिल्कुल, यही मानव चेतना है। ठीक बात है बाबा, अपना अपना करते रहो, ये जीव चेतना है। अपना अपना करते रहो, अपने अपने सोचते सोचते रहो, झेलते रहो, ये जीव चेतना है। ठीक है ना जी, सबको जीना है, ये मानव चेतना। सब क्या जीना है, पहले समाधान पूर्वक, न्याय पूर्वक, नियम पूर्वक, नियंत्रण पूर्वक जीना है। ठीक बात है बाबा, वो आपको एक बार कथा सुनाया था, अब पैसा जिनके यहाँ तिमक खाना ही पड़ता है, इतना पैसा जिनके है, उन लोगों के नारियों के बीच में बात हुई थी, तो नरसिंहेंद्र जैसा बढ़ता बहाना चाहता है वैसा बहाना बहने देना चाहिए। हाँ, 2 घंटा लगाया वो कहा कि बहाते हैं तो जानवर होते हैं और नियंत्रित रहेंगे तो आप होंगे। ठीक बात है, पूरा समझा दे, हम अपने ताकत से आप कोई आप जो स्कूल बनाएंगे उसमें हम काम करेंगे बिना पैसे के, 25 नारी, ऐसा बात जी, वो समझने के लिए तृषा को व्यक्त किया। ठीक हो गई बात।